एक हेलीकॉप्टर जिसमें तीन लोग उड़ान भरते हैं। उनका मकसद था एक ज्वालामुखी को करीब से देखना और वहां के खौफनाक मंजर को कैमरे में कैद करना, जहां से समय समय पर लावा भी निकलता है। शूट के दौरान 15 मिनट का वक्त बीत चुका था, तभी कैमरामैन बोलता है कि ज्वालामुखी का छेद दूर होने की वजह से यह नजारा सही नहीं मिल पा रहा, हम लोगों को ज्वालामुखी के और नजदीक जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे वो धड़कते हुए ज्वालामुखी में गिरे और वहां कई दिनों तक सरवाइव करते हैं। लेकिन दो दिन बाद उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी ने उनके 50 घंटों के साथ ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने जान पर खेलकर खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाला। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। ये सच्ची घटना आज से तकरीबन 24 साल पुरानी है, जो हॉकिंग नाम के एक शख्स के साथ घटी। ये वो शख्स था जिसने अपनी उपयोगिता के चलते महज 16 साल की उम्र में ही एक लाइसेंस पर हेलीकॉप्टर पायलट का दर्जा प्राप्त कर लिया था। यही नहीं, एरोप्लेन हो या सी प्लेन या ग्लाइडर, वो हर तरह के प्लेन उड़ाने में एक्सपर्ट बन चुका था। दोस्तों, इनके साथ हादसा अमेरिका में तब हुआ जब एक बेहतरीन हॉलीवुड मूवी शॉट चल रहा था। फिल्म के अंदर वॉल्केनो के कुछ हिस्सों को दिखाना था, लेकिन डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ज्वालामुखी के उस भाग को एडिट करके लोगों को दिखाया जाए। वो बिल्कुल असली चीजों को दिखाना चाहता था। लेकिन किसी ज्वालामुखी के पास हेलीकॉप्टर यहाँ हवाई जहाज को उड़ाना किसी आम पायलट की बस की बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अमेरिका के सबसे बेहतरीन पायलट हॉकिंग को चुना। हॉकिंग एक हेलीकॉप्टर को उड़ाता हुआ ज्वालामुखी के नजदीक जाने वाला था और उस हेलीकॉप्टर में कैमरामैन और एक टेक्नीशियन को साथ भेजा गया था, जिनका मकसद था कि एक ज्वालामुखी को करीब से देखना और वहां के खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद करना। इस काम के लिए 21 नवंबर का दिन चुना गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता चला था कि 21 नवंबर के दिन उस ज्वालामुखी में हलचल होने वाली है। कैमरामैन, टेक्नीशियन और पायलट तीनों ही अपने काम को लेकर बहुत ही जोश में थे और तीनों ज्वालामुखी के करीब पहुंच गए। ज्वालामुखी के पास पहुंचते ही कैमरामैन ने अपना काम शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट का वक्त बीत चुका था, तभी कैमरामैन बोलता है कि ज्वालामुखी के छेद से दूर होने की वजह से उसका नजारा नहीं मिल पा रहा, हम लोगों को ज्वालामुखी के नजदीक जाना चाहिए। हॉकिंग एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे और उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। हॉकिंग बिना देर किए बिल्कुल ज्वालामुखी के छेद के ऊपर पहुंच गए, जिन्हें हम क्रेटर के नाम से भी जानते हैं, जहां से समय समय पर लावे की बौछार निकलती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के छेद के ऊपर पहुंचता है, वहां से निकलने वाले धुएं की गर्मी की वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आ जाती है और वो आपा खो देता है। फिर जब तक किसी को कुछ समझ नहीं आता, तब तक वो हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के छेद के अंदर गिर जाता है और वहीं क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर तो तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसमें बैठे वो तीनों शख्स, पायलट, कैमरामैन और टेक्नीशियन, इस क्रेटर के अंदर एक चट्टान को पकड़कर खौलते हुए लावे में गिरने से बच जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है उन तीनों की जिंदगी और मौत के बीच की जंग। ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर लगभग 400 से 500 फीट नीचे खौलता हुआ लावा मौजूद था और तीनों उसी क्षेत्र के अंदर लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर किसी चट्टान के सहारे अपने आप को बचाए रखे हुए थे। हेलीकॉप्टर का पायलट तुरंत अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर से रेडियो निकालता है और पास के किसी रेडार से संपर्क में जुड़ जाता है। पहली ही कोशिश में पायलट का रेडियो बॉक्स पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट में आ जाता है और वहां से कुछ लोग तुरंत सहायता के लिए भेज दिए जाते हैं। लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन वहां से थोड़ी दूर पर फंसे होते हैं। रेस्क्यू वाली टीम आती है और इस छेद के अंदर एक रस्सी गिराती है, जिसे पकड़कर पायलट कुछ ही घंटों के बाद उस ज्वालामुखी के छेद से बाहर आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ज्वालामुखी के अंदर धुआं भरने लगता है और विजिबिलिटी एकदम डाउन हो जाती है। उन लोगों ने बताया कि धुआं भरने की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 1 फीट की रह गई थी, 1 फीट से आगे की चीजें उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। रेस्क्यू वाली टीम ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन का कोई रिप्लाई नहीं आया। दरअसल ज्वालामुखी के छेद से लावा और धुएं की बहुत तेज आवाज आ रही थी। रेस्क्यू टीम कई घंटे उनके रिप्लाई का इंतजार करती रही, लेकिन अंधेरा होने लगा और उन लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को लगा कि शायद उन तीनों की मृत्यु हो गई होगी और वो लोग वहां से पायलट को साथ लेकर निकल जाते हैं
और वहीं दूसरी तरफ ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर रेस्क्यू का इंतजार करते करते जब अंधेरा हो जाता है तो कैमरामैन और टेक्नीशियन बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसके बाद वो ये फैसला लेते हैं कि अब उन्हें अपनी जान खुद ही बचानी पड़ेगी और अब कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा। वो लोग ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर चढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। लगभग एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वे लोग 150 फीट की गहराई से 70 फीट की गहराई तक आ जाते हैं, लेकिन अब इनके पास ऐसी खड़ी चट्टाने दिखी जिस पर चढ़ना बिना किसी मशीन के असंभव था। अंधेरा होता है और अगली सुबह आ जाती है, लेकिन धुआं और ज्वालामुखी के शोर की वजह से कोई भी एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते 48 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन उसी छेद के अंदर फंसे रह जाते हैं। जब कैमरामैन को उसकी मौत सामने दिखाई देती है तो वो सोचता है कि जब मरना ही है तब क्यों ना कुछ करके मरा जाए। वो उस खड़ी चट्टान की चढ़ाई करने लगता है और हैरानी की बात यह है कि लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद वो ज्वालामुखी के छेद से बाहर आ जाता है, लेकिन टेक्नीशियन शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि ज्वालामुखी के छेद से 80 फीट नीचे हार मान बैठता है। तभी उसे दिखाई देता है एक इंसान और वो ऊपर से ज्वालामुखी के अंदर खौलते हुए लावे के अंदर गिरकर भस्म हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा असल में नहीं हुआ था, बल्कि वो टेक्नीशियन दिमागी रूप से परेशान हो गया था और उसे बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे। लगभग 2 दिन का वक्त बीत चुका था और दोनों लोग वापस आ गए थे, लेकिन टेक्नीशियन अभी भी उस ज्वालामुखी के अंदर फंसा हुआ था। अंदर का माहौल तेज शोर और ऑक्सीजन की कमी और बिना खाए पिए टेक्नीशियन की हालत गंभीर हो चुकी थी। वो एक कदम भी आगे बढ़ाने लायक नहीं बचा था। एक एक करके रेस्क्यू टीम वहां पर आती रहती है, लेकिन हर कोई उसे ढूंढने में नाकाम होता है। रेस्क्यू करने वाली टीम अब तक टेक्नीशियन को मृत मानने लगी थी, लेकिन तभी रेस्क्यू वाली टीम के एक मेंबर ने आखिरी बार उस टेक्नीशियन को खोजने की कोशिश की। रेस्क्यू मेंबर अपने खास हेलीकॉप्टर की मदद से ज्वालामुखी के छेद के अंदर घुस गया और हेलीकॉप्टर पंखे की वजह से धुआं इधर उधर भागने लगा। तभी उसे टेक्नीशियन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था और एक बार फिर से वो टेक्नीशियन उन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि टेक्नीशियन अभी जिंदा है और रेस्क्यू वाली टीम एक रस्सी के सहारे जालीदार टोकरी को नीचे गिराती है और उसे धीरे धीरे करके आगे पीछे करती है, ताकि अगर टेक्नीशियन की नजर उस पर पड़ जाए तो शायद वो उसमें बैठ जाएगा। और ऐसा ही होता है। टेक्नीशियन तुरंत उस टोकरी को देख लेता है, लेकिन वो टोकरी उस तक 8 फीट की दूरी पर होती है और नीचे खौलता हुआ लावा। इतनी कमजोर हालत में उस टेक्नीशियन को 8 फीट लंबी छलांग लगानी थी, जिससे वो या तो टोकरी में आ जाता या फिर खौलते हुए लावे के अंदर दफन हो जाता। दोस्तों, फिर टेक्नीशियन अपनी पूरी ताकत लगा के छलांग लगा देता है और वो उस टोकरी में बैठ जाता है। टेक्नीशियन बताता है कि वो उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल थे, जब उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। अगर टोकरी में नहीं बैठता तो भी उसकी मौत हो जाती, और अगर टोकरी में छलांग लगाकर बैठते वक्त गलती होती तो भी उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन आखिरी वक्त में उसने जिस हिम्मत का परिचय दिया उससे उसकी जान बच गई और उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्वालामुखी में गिरने के बाद भी वो तीनों ही जिंदा बच गए थे। नुकसान के नाम पर सिर्फ उन तीनों का हेलीकॉप्टर कैमरा और कुछ वस्तु का नुकसान हुआ था। इस तरह उनके लिए हॉलीवुड मूवी शूट करना बहुत खतरनाक साबित हुआ। दोस्तों, अपनी इस बहादुरी के लिए इन तीनों को बाद में सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी काफी फेमस हुई थी, जिसके बाद लोग इनके फैन बन गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।